नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि रोहित शेट्टी की जो गोलमाल फ्रेंचाइज है बहुत बड़ी हिट रही है, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है। गोलमाल 4 तक आप देख चुके हैं और आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आई। बहुत ही जबरदस्त कॉमेडी, सस्पेंस, एक्शन, थ्रिलर मूवी ये होती है और मजेदार मूवी होती है और सभी फिल्म में बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। तो इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट्स क्या रहे इसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रोहित शेट्टी की अभी जो आने वाली फिल्म है वो है सर्कस, जो कि इसी वर्ष दिसंबर में क्रिसमस के अवसर पर रिलीज की जाएगी, जिसमें रणवीर सिंह प्रमुख भूमिका में और डबल रोल में। ये कॉमेडी से भरपूर मूवी होगी जो गोलमाल से प्रेरित है, सॉरी गोलमाल नहीं, ये अंगूर मूवी आई थी एक, जिसमें संजीव कुमार तथा देवेन वर्मा दोनों ही डबल रोल में थे और क्या आइकॉनिक कॉमेडी मूवी थी। उस फिल्म से प्रेरित ये फिल्म है। तो ये फिल्म रिलीज होगी अभी रोहित शेट्टी की। इसके अलावा वो एक वेब सीरीज पे भी काम कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर एक वेब सीरीज बना रहे हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा उसमें प्रमुख भूमिका में है, मनोज वाजपेयी भी है, तो उस सीरीज पे काम कर रहे हैं वो इस समय। इसके अलावा सर्कस उनकी रिलीज होने वाली है। इसके बाद में अप्रैल में वो सिंघम 3 पे काम शुरू कर देंगे, मतलब कि सिंघम 3 में आपको अजय देवगन तो नजर आएंगे ही, साथ में जो रणवीर सिंह है वो भी नजर आएंगे और अक्षय कुमार तो आएंगे ही कैमियो रोल करते हुए। इसके अलावा एक और एंट्री इसमें होने वाली है सलमान खान की, इसके बारे में मैंने आपको एक अलग से वीडियो में भी जानकारी दी थी। तो सिंघम 3 की शूटिंग अप्रैल में शुरू हो जाएगी। फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट में काम चल रहा है, स्क्रिप्ट लगभग कम्प्लीट हो चुकी है। सिंघम 3 के साथ ही या सिंघम 3 के कुछ महीनों के बाद में ही वो गोलमाल पर काम करना शुरू कर देंगे, गोलमाल 5 पर, ऐसी जानकारी खुद रोहित शेट्टी ने दी है। मतलब कि 2024 में आप ये मान लीजिए कि आपको गोलमाल 5 पे शूटिंग शुरू हो जाएगी, या हो सकता है कि 2023 लास्ट में भी ये फिल्म शुरू हो सकती है, 2024 के एंड तक आपको ये फिल्म देखने को मिल सकती है। तो गोलमाल 5 पे काम करना शुरू कर दिया है रोहित शेट्टी ने, कुछ जानकारी दी है। इसकी स्क्रिप्ट पे फिलहाल काम चल रहा है और इसको पहले से भी ज्यादा मोर एंटरटेनिंग फिल्म बनाने की तैयारी की जा रही है। स्टारकास्ट पूरी की पूरी रिपीट होने वाली है, जो भी स्टारकास्ट थी वो तो होगी होगी इस फिल्म में, करीब करीब सभी आपको जो अदाकार है वो नजर आने वाले हैं। इसके अलावा एक दो और नए कलाकारों की इस फिल्म में एंट्री हो सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं और कौन से नए कलाकारों को इस फिल्म में मौका मिलता है, लेकिन इतना तय है कि रोहित शेट्टी ने मन बना लिया है कि वो गोलमाल 5 बनाएंगे और ये एक बहुत बड़ी हिट फ्रेंचाइजी है। तो सभी को आपको मेरे को सभी को इस फिल्म का काफी इंतजार रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको ये अपडेट कैसा लगा बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।